जब हम सेफ सिटी की है, जैसे ये आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है इसी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें ये सारे के सारे जो गैजेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला वक्त जो है वो है ही इसका प्रैक्टिकली, कि जी उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि जी वो सिंगल डिजिट पे लेके आए हैं रिस्पांस टाइम को, आप जो है ना उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है ना देते हैं, जिसके ऊपर वो काम करके किसी भी केस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या उन्हें बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक और मैं हूं ताहिर अली राना। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद पुलिस ऑफिसर 24/7 आवाम की हिफाजत पर मामूर होते हैं। एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहां पे काम किया और अब उनकी फील्ड पोस्टिंग हो चुकी है, सो हमने सोचा कि आज उनसे लाइटर नोट पे कोई बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए कि यहां का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, सो उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। खैर खैरियत है। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपने। करीम साहब, आपने सेफ सिटी में सर्व किया, कितने साल सर्व किया और ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सेफ सिटी में आया था जी 2018 में, टिल डेट नाउ इट्स लाइक अबाउट 3.5 years, और किसी भी एक जगह पे ये मेरा सबसे ज़्यादा टेन्योर है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही इसी वजह से ही इतना लंबा रहा। अच्छा। कि जी मैं चाहता था कि जी मैं इसमें सर्व करूँ, कि जी इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली था, बाकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट ये सेंटर है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशली इन पंजाब पुलिस जो है वो, तो बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला और बड़ा कुछ सीखा भी यहाँ से, और इंशाल्लाह इसको हम फील्ड में इस्तेमाल भी करेंगे। इसके बाद अब पुलिसिंग को किस तरह देखते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है? पुलिसिंग जो है जी वो हम जब पुलिस सर्विस की बात करते हैं तो पुलिस सर्विस में स्पेशली फील्ड में हम कहते हैं कि जी एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जब हम सेफ सिटी की है, जैसे ये आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है इसी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें ये सारे के सारे जो गैजेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला वक्त जो है वो है ही इसका। सर, क्या समझते हैं कि जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं हमारे, आईटी ग्रेजुएट्स हैं, इनके साथ इनका मतलब किस तरह से एक्सपीरियंस आपका इनके साथ रहा, और हाईली क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ फिर पुलिस की हेल्प करना और ये सारे कैमराज की वर्किंग किस तरह से देखते हैं कि इनकी हेल्प से और विद द कैमराज हेल्प ना कितना बेहतरी है? बेहतरी जी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं, मतलब अगर हम ट्रैफिक से शुरू करें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट से, उसके अलावा मतलब अगर आप बात करें एनवायरनमेंट के हवाले से, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं पुलिस में, पुलिस की बात मैं आखिर में करूँगा, तो आप ये देखें कि जी इवन हमारी जो 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 हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सीएम ऑफिस में, वो हमारी उसमें अपना जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, पीएचए हो गया, उसमें वासा हो गया, उसमें एमसी हो गया, मतलब उन सबको मतलब बेसिकली क्या होता है कि जी हम पिन पॉइंट करते हैं, मतलब सब डिपार्टमेंट्स की हेल्प को हेल्प कर रहे हैं हम उनको, बिल्कुल हम, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जी आप जो है ना एक जो सिविक सर्विसेज हैं आपकी वो बेहतर होती हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, लोगों की सिविक सेंस बेहतर होती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट में तो जैसे मैंने पहले बताया कि जी इट्स अ मिराकल कि जी आप कोई केस हो गया किसी भी जगह, मतलब एक मर्डर हो गया है, और पहले ये होता था कि एफआईआर में जो चश्मदीद गवाहान थे उनकी बुनियाद पे, उनकी गुवाही पे जो है ना वो अमूमन जो है चलान होते थे, कुछ डाउट भी हो सकता था मतलब कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब जो है ना, अब ये टेक्नोलॉजी तो किसी को नहीं पहचानती, एविडेंस आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल यस, आपके कैमरे के सामने अगर वो चीज आ गई है तो वो फिर डेफिनेटली जो सच है, जो हक है, उसके ऊपर जो है ना बात होगी, और वो जो असल जो कल्प्रेट है वही उसमें जो है ना वो टाइम कम लगेगा और इजीली जो है वो हम मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली टाइम का तो वो जैसे है कि जी 15 की कॉल है, आपको पता है कि जी उस पर जो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे डॉल्फिन टीम्स या लोकल पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, तो वो आप देखेंगे जी वो, और प्रैक्टिकली कि जी उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि जी वो सिंगल डिजिट पर लेके आए हैं रिस्पॉन्स टाइम को, इतने बड़े शहर में, लाहौर इतना बड़ा शहर है, 87 पुलिस स्टेशन हैं, आबादी इतनी है, उसके अंदर जो है ना वो इतना इफेक्टिव जो है उनका ये सारी वर्किंग जो है, और उससे क्या है, उससे यही है ना कि जी लोगों में तहफ्फुज़ का एहसास जो है ना वो बढ़ा है। कादिम साहब, आपने फील्ड में भी काम किया और यहाँ पे भी काम किया, क्या डिफरेंस है दोनों में? बेसिकली जो सेफ सिटी है ना जी, जो हमारा PPIC 3 सेंटर है, ये है आप फैसिलिटेट कर रहे हैं,
जैसे मैंने टू द फील्ड फोर्स, यस टू द फील्ड फोर्स, अगर हम स्पेसिफिकली पुलिस की बात करें तो हम उन्हें बताना है, हम एग्जीक्यूशन हम नहीं करते, हम उन्हें एक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जी किस तरह वो क्राइम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं बेसिकली, राइट डायरेक्शन, मतलब वो बेसिकली हो सकता है कि जी उनको वैसे बहुत मुश्किल हो इन सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, लेकिन चूंकि यस चूंकि ये इंटीग्रेटेड है, इसके आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आपके पास कैमराज हैं, आपके पास और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप जो है ना उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है ना देते हैं, जिसके ऊपर वो काम करके किसी भी केस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं या उन्हें बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। सर ने एक फिल्म में भी काम किया, मैं नाज़रीन को यहाँ पे बताते चले, दाल चावल, जहाँ पे पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की वर्किंग के हवाले से भी हमारे शोधा को ट्रिब्यूट पेश किया गया, डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में बताया गया। सर वो एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिएगा, किस तरह का रहा आपका वो फर्स्ट पुलिस में और दूसरी तरफ आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बुनियादी तौर पर जो उसमें जो हमें टास्क दिया गया था वो टास्क ये दिया गया था कि जी आपने पुलिस ऑफिसर का ही रोल करना है, तो बीइंग पुलिस ऑफिसर चूंकि इतनी सर्विस हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 23 इयर्स, तो जो डायरेक्शन थी जो डायरेक्टर थे हमारे उनकी तरफ से भी यही था कि जी आपने नेचुरल जो है ना जैसे आप एक एज ए पुलिस ऑफिसर आप करते हैं इसी तरीके से आपने करना है। डेफिनेटली कैमरे का जो है ना वो एक अपना वो होता है, उसके सामने आके आप मतलब कैमरे वाली थोड़ी सी दुश्वारी आई थी, डेफिनेटली वो होता है, परफॉर्म करना था जो आप एक्चुअल में हैं। जी जी वो लेकिन हो गया, वो अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच काजिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन ये था हमारा आज का मॉर्निंग शो, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करना है। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह ने के बाद।